नमस्कार। टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ के लालगंज में स्थानीय तहसील परिसर में कारगिल शहीद दिवस विजय दिवस के अवसर पर कारगिल शहीद स्मारक पर उप जिलाधिकारी सुरेंद्र नारायण त्रिपाठी की अध्यक्षता में शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। शहीद स्मारक पर उप जिलाधिकारी व तहसीलदार शैलेंद्र कुमार सिंह द्वारा धूप बत्ती जलाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। हिंदी सुबोध संस्थान के प्रबंधक समरसभा बहादुर सिंह ने कारगिल में शहीद हुए लोगों को स्मरण कर उनको श्रद्धासुमन अर्पित किया। श्रद्धासुमन अर्पित करने वालों में धर्मेश पाठक, राजनाथ यादव, इंद्रभानु चौबे, अमरनाथ यादव, ओम प्रकाश वर्मा, विनय शंकर राय, आनंद कुमार श्रीवास्तव सहित तमाम लोग उपस्थित थे। नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने तीन ऐसे लाल दिया, राम समुझ यादव, रमेश यादव और गुलाब सिंह पटेल, जिन्होंने कारगिल शहीद में अपना झंडा फहराया और आज कारगिल शहीद पर जिंदा रहने वाले रघुनाथ पांडे जी आजमगढ़ में निवास करते हैं, हमारे बगल के जिले के। हम नहीं कह सकते कि वहाँ भी हिंदू मुसलमान का था, एक ही परिवार के। आप लोगों को याद होगा इश्तियाक अहमद और इमरान अहमद दोनों शहीद हुए, दोनों भाई थे। और आपके बिरनों के पास के कमलेश सिंह शहीद हुए। सबसे बड़ा गर्व होता है कि हमारा 23 वर्ष का जवान कैप्टन था, शायद आप लोगों को याद है, हमारे परगना अधिकारी महोदय को याद है, मनोज कुमार पांडे लखनऊ, जिसके बलिदान ने अटल बिहारी वाजपेयी को भी झकझोर दिया था कि 23 साल का वो जवान कारगिल की विजय में सबसे पहले शहीद हुआ। आज हम लालगंज की जमीन पर हम अपने उपजिलाधिकारी के नेतृत्व में, हमारे तहसीलदार साहब के नेतृत्व में, पाठक जी अमरनाथ और हमारे अध्यक्ष जी राजनाथ के नेतृत्व में हम शहीदों को नमन करते हैं। और हम याद चाहते हैं कि आप लोग इसको जो है वो 26 जुलाई को हमेशा याद रखें। जय हिंद, जय जय।